खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां कुछ दिन पहले किराना व्यापारी से हुई लूट के पुलिस का अधीक्षक ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी से 1,58,000 रुपए बरामद किए। वहीं पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने लूट में इस्तेमाल एक्टिवा और मोबाइल भी जब्त किया। पुलिस ने बताया कि चार लोगों ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि दुर्ग के खुर्सीपार दीनदयालपुरम में 21 सितंबर को किराना व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी। आरोपी ने व्यापारी के घर के सामने से रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। व्यापारी ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें तीन लड़के लूट की वारदात को अंजाम देते देखे गए हैं। पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपी रोहित के पास पहुंच गई। रोहित से पूछताछ के आधार पर दूसरे आरोपी अमन खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया चार लोगों ने मिलकर किराना व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के 1,58,000 रुपए बरामद किए। पुलिस बाकी बचे रुपए की रिकवरी के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। ड्राइवर आरोपी है, इनका मॉडल ऑफ ऑपरेंड भी क्लियर किया गया कि जांच की बिंदु है, पूरा पैसा रिकवर हो जाए तो चीजों को और क्लियर किया जाए। डिमांड फिरौती में जो बच्चा, जब नाबालिग बच्चा जो इसमें 1,00,000 रुपए की फिरौती मांगी गई थी, वो भी खुर्सीपार क्षेत्र का मामला है। उसमें बच्चे को त्वरित कार्रवाई करते हुए घंटों में रिकवर कर लिया है। मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और भी गिरफ्तारियां संभव है।